अजें तकर फिर मसले भी हो कमेटी भी बनी बारदवा कमीशन भी बनिया मेरे उस जमाने की गल है। उसके बाद टॉमी साहल की गल चली उसके बाद भी अभी सरकारी सेंटर की नौकरी देने की बारे गल चली बड़ा कुछ होया। लेकिन सवाल है मसला उत्थे दा उत्थे पेदा मैं जो सुने उत्थे ही नहीं जिला के अंदर उत्थे दे खलोते दोबारा वापस। तो मैं सारे ग्रां चाहना मेरा सहयोग उस जमाने च भी था अज भी है आइंदा भी होग कभी भी मेरे लायक कुसै किस्म की सेवा मैं तुहाड़े हर सुख दुख च शामिल है। मैं अपनी गल करना चाहना जो मेरा शरीर है 5 फुट 4 इंच जो मेरा ना लाल सिंह ये तुहाड़े हवाले है जिसे तुसी चाहो एनी टाइम मैं आई एम ऑलवेज रिजू क्यों तुहाड़े कने तुसी इंसान हो इंसानियत दा तकाजा है कि हर इंसान का इस देश पर पूरा अधिकार है हर इंसान की इतने जीने का अधिकार है हर इंसान की इतने खुश रहने का प्रॉस्पेरस होने का अधिकार है जो नहीं मिले है। और जम्मू कश्मीर ऐसी स्टेट तुम चुने बजुर्ग है तबाही करी उड़ी थोड़े कहने कई लोग चल मैं ये भी गल की बड़ी बड़ी चली ही मैं गल की कि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब वो भी बस पाकिस्तानी है मैं कह डॉक्टर मनमोहन सिंह बस पाकिस्तानी अगर वो जम्मू बसते वो प्राइम मिनिस्टर बने ना वो तो एमएलए भी नहीं बन सकते क्यों 370 और मैं क्या वो पंजाब च बसे बस पाकिस्तानी तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनी है और जो लोग साढ़े बसे उनका बेचारे का कख नहीं बने जे इतने बसे इस करिए बहुत जुल्म होया थोड़े कने कोई शक नहीं सुनो इतने रौंगी बसी है बारे के लोग बसीए 3000 किलोमीटर उपरा लोग चलिए आए परमा तो आइए सैटल हो लेकिन थोड़ा सैटल होना चुभता थोड़ा चुभता है। इस करिए विचार जो चला है जी थोड़ी एजुटेशन है मेरी थोड़े कने पूरी जिम्मेवारी कने हमेशा थोड़े कने है।